बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लकी न्यूज़ टीवी के तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, अहम खबर दें, साबिक भारतीय कप्तान कपिल देव दिल का दौरा पड़ने पर अस्पताल मुंतकिल। जिनाजी अफसोसनाक खबर आपको भारत से मशहूर मारूफ क्रिकेटर और साबिक भारतीय कप्तान कपिल देव दिल का दौरा पड़ने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। साबिक भारतीय कप्तान कपिल देव को दिल का दौरा पड़ने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भारतीय मीडिया ने साबिक क्रिकेटर और भारतीय टीम के साबिक कप्तान कपिल देव को दिल का दौरा पड़ने की तस्दीक की है। मजीद ये कि भारतीय मीडिया के मुताबिक कपिल देव को तबीयत बिगड़ने पर फौरी तौर पर नई दिल्ली के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ इनकी एंजियोप्लास्टी की जाएगी। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, लकी न्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नाज़रीन, मज़ीद आपको बताएं कि 61 साल साबिक भारतीय कप्तान कपिल देव ने 1978 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। मजीद ये कि उन्होंने भारत की तरफ से 131 टेस्ट मैचेस और 225 वनडे खेले थे। इंटरनेशनल खेल की तरफ से उन्होंने, जबकि 1983 में भारत उनकी कप्तानी में वर्ल्ड कप का फतह भी बना था। मजीद ये कि कपिल देव ने 1994 में क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था, जिससे आवाम बहुत सुर्दा हुई थी, जबकि वो 1999 से 2000 तक भारतीय टीम के कोच भी रह चुके हैं और उन्होंने भारतीय टीम के लिए बहुत ही अहम कलीदी किरदार भी अदा किए हैं। जहाँ अहम खबर दें, साबिक भारतीय कप्तान कपिल देव का दिल का दौरा पड़ने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। नाज़रीन, मज़ीद खबरों के लिए हमारे साथ जुड़िए। अल्लाह हाफ़िज़।